ये वाला आइसक्रीम में खाऊंगी अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विटी डेज। तो ये मेरा प्रोबेबली लास्ट व्लॉग है मेरे होम टाउन से, क्योंकि अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है उस टाइम को मैं ऑलरेडी मिज़ोरम जा चुकी हूँ। तो मैं अभी कुछ दिनों बाद ही मिज़ोरम चल जाऊँगी। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है और आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड के घर उसको मिलने के लिए। अभी सुबह उठ चुकी हूँ तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, लंच का प्रिपेयर करूँगी, तो आपको भी मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या होने वाला है आज हमारे घर में। तो वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, बस नॉर्मल खाना। और शाम को तो मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे फ्रेंड के वहाँ पे और दिखाऊंगी अपना फ्रेंड का घर, उससे मिलाऊंगी। तो ऐसे ही जाने वाला है मेरा ये ब्लॉग। और मैं अभी यहाँ ऑलमोस्ट होम टाउन में 2 मंथ्स रुकी हूँ। तो मैं क्यों 2 मंथ्स यहाँ पे रुक गए उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी विद प्रॉपर डिटेल्स, क्योंकि अभी अगर मैं बता दी, रिवील कर दी ना, तो समझ में नहीं आएगा आपको उतना, मैं क्लियरली बता नहीं पाऊँगी। तो आधा अधूरा से अच्छा है कि नेक्स्ट व्लॉग में आप देख ले। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन का शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो आज का ब्रेकफास्ट है पोहा, जो कि मैं अभी खाऊँगी, उसके बाद देखते हैं लंच में क्या है। तो ये है कोकोनट वाटर जो कि मैंने अभी निकाला, और इसको मैं ट्विटी को थोड़ा सा दूंगी, पर वो डायरेक्ट कोकोनट वाटर नहीं पीती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दूंगी, क्योंकि उसको ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, तो वो सोचेगी कि ये ऑरेंज जूस है और पी लेगी। तो यही घोटाला मैं अभी करने वाली हूँ। Orange juice, cake happy! Wow! Yes, it's lovely. Has George made some perfume too? और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, वो है हम लोग का दही बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग का दही बन रहा है, मैं दिखाती हूँ कैसे। तो कल रात को ही बैठा दिया था, तो अभी ये बन के तैयार भी हो चुका होगा। ये है हमारा दही, एकदम थोड़ा सा फ्रोजन करना पड़ेगा लग रहा है। तो ये है हमारा दही जो कि एकदम तैयार हो चुका है, इसको मैं फ्रिज में डालूंगी। सो आई एम मेकिंग लस्सी। के जावे स्विमिंग पूल है, वाओ। तो फुलाना कैसे है? वो जो बैलून वाला है उससे फुल जाए। वो तो मुझे पता है। रुको लेके आती हूँ मैं उसको। देखो पकड़ना पड़ेगा। इसमें पानी भरना पड़ता है भी। लोग का चिकन भी बन गया है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में बन जाएगा। तो इसको थोड़ा हिला देती हूँ। तो मैं लंच करने बैठ गई हूँ, और ये मेरा चिकन है और ये सैलड है, और ये एक्चुअली में बिरयानी है। लास्ट नाइट मैंने लाया था बाहर से, तो वही मैं अभी खाऊंगी। वैसे मुझे बाहर का बिरयानी उतना पसंद नहीं है, फिर भी खा कर ट्राई करते हैं कैसा है। तो
खाना पीना हो गया है, तभी मैं डेजर्ट खाऊंगी। तो ये है अरुण का आइसक्रीम, ये वाला आइसक्रीम मैं खाऊंगी अभी। इसके कलर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस, बट नीचे का वैनिला या आलमंड कुछ फ्लेवर है ये अच्छा है। ये सब मैं नहीं खाऊंगी, बस अंदर का खाऊंगी। तो अभी शाम नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही रूम का लाइट जला के बैठी हूँ। मैं थोड़ा सो गई थी, अब मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है। और चलते हैं क्योंकि बहुत दिन से ऐसे प्लान हो रहा है और मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो अभी राइट मोमेंट है, मैं जाके आ जाती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के घर पे आ गई हूँ और अपना मुंह छुपा रही है क्योंकि रेडी नहीं है। आप उसको इंस्टा में रील में देख लीजिएगा, उसकी असली खूबसूरती। तेरा इंस्टा आईडी बता दे। अच्छा ठीक है, सब फॉलो कर लीजिए उसको, मुझे फॉलो करे ना करे। और ये है हम लोग का रामू काका। थैंक यू। बनने दे सैंडविच, अरे तू खा उसको खिलाएंगे, सब खाएंगे हम लोग। यहाँ पे मेरी फ्रेंड बना रही है उसका सीक्रेट रेसिपी से। क्या बना रही है बोल दे अपने मुंह से। कौन मेयो कौन सैंडविच। अच्छा ठीक है, अब मैं उसके बाद खा के रेटिंग बताऊंगी कि कैसा बना है। सीक्रेट रेसिपी फ्रॉम हर किचन, प्रीतिस किचन। हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया, बाद में अच्छा नहीं बना। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, अच्छा ही बनेगा रे। मेरा ना खाली क्या पता है क्या होता है, मेरे को कुकिंग करने का शौक है पर मेरे को ना वो टेस्ट करके कर बनाने का मन नहीं करता। इसलिए तो बहुत अच्छा, तू प्रो के जैसे अपने अंदाजे से बनाना चाहती है। मैं ना अंदाजे से बना तो मैं बार बार टेस्ट नहीं करता, बहुत जन टेस्ट करके करते तो देख लेते क्या होता है। मेरे को लगता है मैं बना दूँ, कोई टेस्ट करके चाय कैसा, वो तो एक्सपेरिमेंट हो गया। मैं ऐसे करके कुछ बनाऊंगी ना, अब जैसे जब मम्मी लोग नहीं है अभी कुछ ना कुछ बना रही हूँ ठीक है, तो मैं राहुल को सब चीज़ टेस्ट करवा दे रहा हूँ, ये टेस्ट करके बताइए ठीक है ये ठीक है, अब वो बता भी देता है अगर उसका मूड ठीक रहता है तो। नहीं तो क्या बोलता है, फालतू में खा के देख लो ना, ये भी आएगा वीडियो। राहुल देखिएगा मेरा चुगली कर रहे दोनों बैठ के। आज ये सब स्पेशली आया है, मतलब चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स का मतलब ये मियोनो, आज सब कुछ मियोनो ना मियोनो, सॉरी तू ही बोली मियो का कि तभी मेरा मुंह से निकला। मियो ही बोलते हैं लेकिन तू अजीब ही प्रोनाउंस कर रही थी अभी। देख सबका स्टाइल अलग अलग होता है, ये मेरा स्टाइल है, मतलब उसका तू नाम ही चेंज कर देगी स्टाइल के बारे में। मेरी फ्रेंड ये सब सेल करती है तो मैंने ये ले लिया। एक ये सोप डिस्पेंसर है और ये एक पाइप और ये स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ और स्ट्रॉ साफ करने का ये एक ब्रश है इसके साथ। और मैंने ये वाला भी लिया है वो स्ट्रेट पैंट्स कुर्ती के नीचे पहनने के लिए।